तो गाइस कई बार क्या होता है कि जैसे आप कंप्यूटर से अपने फोन में या फिर फोन से कंप्यूटर में कोई डाटा ट्रांसफर करते हैं तो उसमें कुछ एक एरर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जैसे मैंने अपने अपने फोन को कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर से, ये मेरा फोन है और यहाँ पे हमने अपना ये चालू कर लिया और जैसे चालू किया यहाँ पे देखिए हमारा आ गया नोट 5 प्रो। और इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए जैसे मैंने एक अपना कोई सा भी फाइल या फिर कोई सा भी डाटा हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं जैसे एक ये फाइल ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एरर आ रहा है। तो अब ये एरर हमेशा आते रहेगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर ले ये एरर नहीं जाएगा। तो अब इसको कैसे फिक्स करना है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से अब आपको यहाँ पे देखिए एक लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। इस लेआउट पे क्लिक करके और सीधा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 चिक मार्क दिख रहा होगा, इन सभी मार्कों को आपको हटा लेना है लाइन बाय लाइन। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक से हट गया है, फिर दूसरे से भी हटाना है और फिर आपको यहाँ तीसरे से हटा लेना है। इसमें से आपको ये तीसरा वाला रहने देना है क्योंकि ये नेविगेशन बार हमारे काम आता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और अब आपको क्या करना है, फिर से अपने पूरे कंप्यूटर को यहाँ से काट देना है और फिर से डाटा केबल निकाल के और फिर वापस से डाटा केबल लगाना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फिर से आपका ये यहाँ पे खुल जाएगा। तो अब आपको फिर से एक बार ट्राई करके देखना है। तो ये हमारा फाइल आ चुका है, अब हम एक बार और से ट्राई करके देखते हैं। अब देख सकते हैं हमारा ये जो कॉपी है अपने आप होने लगा है, सिर्फ इतने ही प्रॉब्लम की वजह से ये कॉपी रुक गया था, कॉपी नहीं हो रहा था। और आप देख सकते हैं ये एरर अभी फिक्स हो चुका है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।